आज हमारे संस्थान में एक नई खुशखबरी आई है, और खुशखबरी ये है कि हमारे जो स्टूडेंट है, यहीं बैठते थे, आप में से कई लोग जानते भी होंगे, पूजा मीणा, तो इनका सिलेक्शन हुआ है अध्यापिका तृतीय श्रेणी 2023 जमुआ रामगढ़ जयपुर में। और मेरा ऐसा मानना है कि परमात्मा से डर के बोलते हैं, सरस्वती माता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन सबको मानकर आगे चलते हैं, और 7 दिन में एक सिलेक्शन हमारा हो जाता है। ये पूजा मीणा है, आप इनका स्वागत करो। ये टीचर में सिलेक्टेड हो गए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये कैसे सिलेक्ट हुए, क्या हुआ, ये तो खुद बता देंगे। ये बस मैं थोड़ी सी बात इनके बारे में कहना चाहूँगा, और उन लोगों के लिए ये प्रेरणादायक रहेगा जो लोग कहते हैं कि यदि ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता, मेरे साथ ये नहीं होता तो मैं कर लेता या कर लेती। जो अपनी कमजोरियों को और जो बेमतलब की जो बाधाएं होती है उनको ऊपर लेके चलते हैं, उनके लिए प्रेरणादायक ये पूजा मीणा है। वैवाहिक है, मैरिड है, तो मैरिड शब्द आते ही आप इतना तो समझ गए होंगे कि जिम्मेदारियां आ गई। अब जिम्मेदारियां कितनी होती है सामाजिक जीवन में, आप भली भांति जानते हो, अच्छे तरीके से आप जानते हो। उन जिम्मेदारियों से ऊपर उठकर इन्होंने सिलेक्शन ली, और किस तरीके से क्या महत्व रखते हैं ये अपने बात करेंगे। पहले इनसे आप बात कर लीजिए। पूरा जब से कि आप बिल्कुल आपके साथ हूँ, बार बार बढ़ती, बार बार सर के तो मैं इतना डिस्टर्ब रही थी, मेरी पढ़ाई में ज्यादा खराब रही थी, जैसे ही सिलेक्टेड आते थे अगर आप नहीं आ सकते पर, तो मैंने उसको आग में फॉलो किया था, हम कैसे यहाँ पे आ सकते, तो बार बार सर के सर ने लेक्चर दिया था, मैंने रिकॉर्डिंग कर, जब भी बार बार सुनती कैसे पढ़ू, कैसे क्या करना है, जैसे ही सर ने सर के नोट्स से तो उन चीजों बार बार नोट्स जैसे भी पढ़ती, आटा लगाती, कुछ करती थी, काम करती, तो मैं उन बार बार आँख में, बस मेरे पास सिर्फ एक टाइम था, मैंने टाइम में मैंने बिल टाइम बार बार सर के पास, एक बेटी भी है, अब आप सबको बताया कि शादी के बाद कार्यों के बीच आपकी जाए, मेरी बच्ची को बताया छोटी, तो मैंने साल हो गए, आज वो 4 साल पता है कि माँ और बेटी का मैंने वो नहीं, आपको सब पता है, आज मैं तो बार बार आप जैसे सर द्वारा आते रहे, और मैं और आगे सर जो भी सिलेबस सबसे ज्यादा सिलेबस मेरा सब्जेक्ट का सर उन पे ज्यादा ध्यान दिया, मैंने कवर किया था, सर के ऊपर विश्वास किया था, सर से मैंने पूछा था, सर मैं भी जाऊं तो सर ने मुझे किराए नहीं दिया, सर ने साफ मना के लिए, तो मैंने रामू भैया से मैं आ नहीं पाई थी, रामू भैया मेरा फुल साथ दिया था, एक मैंने भी मेरा फुल साथ दिया था, दो महीने सर को तो पता भी नहीं होगा, उन्होंने मुझे कम से कम दो महीने तक अपने मेरे पास पढ़ने बोला था, आप पढ़ो कोई टेंशन, मेरी एग्जाम हो गई थी बाद इनको, वो भी बहुत बहुत अपनी छोटी बहन से मुझे बहुत कुछ साथ दिया है,
और ये भी आगे जल्दी से जल्दी हो जाए, जल्दी आप सभी के लिए चाहूंगी। और प्यारी बहनों, आप शादी के बाद में जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि आप सोच अगर जितना भी हो, ये तो नहीं है अपनी शादी नहीं करेंगे, शादी तो करेंगे ही घर वाले, पर शादी से पहले पहले जो भी आपको लगना है भाई हमको लगना ही है, तो लग ही जाओ। और सर ये करंट कराता है तो सबसे ज्यादा अपन को मेरिट ऊपर तय कर बहुत ज्यादा वो रहता है कि अपन प्यार करते हैं। तो मैं सर की बीट देखती थी, मैं थोड़ा बहुत भी पढ़ाता पर मैंने बहुत सटीक तरीके से पढ़ाता सर, तो भी नोट्स सर ने कराए थे बार बार मैं सर। करंट करंट पढ़ाता रामू, करंट के भी नोट्स लिए थे, और जो सर सैटरडे को लंबी क्लास लेते हैं ना वो पूरी क्लास ली, जैसे ऑफलाइन भी नहीं आ पाती थी। नहीं, मैंने आपके नोट्स सर के नोट्स के अलावा कुछ पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं कसम पढ़ा तो भी बहन यही बताती है, मैं बताती मैंने पढ़े हैं बदौलत से आज मैं यहाँ आ गई, और जीके तो भी जीके पढ़ती थी आते हैं, वो ऐसा लगता है कि ये नहीं है कोई कुछ, चलो आप उसको थोड़ा सा पता लग गया। वो माला पहना कर ये मेरी तरफ से इनको सम्मान है। इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए, लोगों को दिखना तो चाहिए। मान के चलना ये जो माला पहनाई है अगली बार इनको भी कोई माला पहनाएगा, क्योंकि अगला नंबर इनका है, सेम है, आप देख लो दोनों मैरिड है, और 100% मेरे मुंह से निकल रहा है, कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती बैठती है, हो सकता है बैठ गई होगी, ये जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप लोग इतना सम्मान करते हो ये बहुत बड़ी बात है, और बड़ा अच्छा लगा कि ये यहाँ आए। और अब मैं जो सवाल हर किसी से करता हूँ वापस करने जा रहा हूँ कि यहाँ और कौन कौन आना चाहेगा, नहीं नहीं बता दो किस भाई, किसी का यदि मन नहीं कर रहा है तो देख लो। देखो बेटा आपके सामने है, हालांकि इन्होंने सारा बता दिया, और सरस्वती माता की कृपा है, दुर्गों का आशीर्वाद है, तीसरी शक्ति को हम पूजते हैं मानते हैं, आप छोटों को अब बच्चों के समान मानते हैं, शायद इसी का परिणाम है कि हम हर सप्ताह एक सिलेक्शन देते हैं औसतन, ये आप जानते हो, चाहे आप हमारे वीडियोस देख लीजिए, टेलीग्राम देख लीजिए, कोई ना कोई आ ही जाता है। यहाँ एक ही बात कहूँगा, मैं कितनी मेहनत करता हूँ या नहीं करता ये तो देखिए नहीं पता, और मैं हमेशा यही कहूंगा कि मैं ये कमी करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता, मुझे और आवश्यकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको जो दिया जा रहा है ना आप इतना पढ़ लीजिए, 15 बार पढ़ लीजिए, और अकेले ये नहीं कह रहे, आप कोई भी जैसे अभी कांस्टेबल वीरेंद्र चौधरी का सिलेक्शन हुआ था, कांस्टेबल के अंदर एक सेक्शन हुआ था, अभी ग्रुप डी के अंदर यशवंत जांगिड़, अभी ताज़ा बता रहा हूँ मैं, तो पुराने तो बहुत सारे हैं, और ये ऐसा नहीं है, आप टेलीग्राम उठाइए, टेलीग्राम से मैंने कोई भी डिलीट नहीं किया है, शुरू से लग जाओ आप,
वहाँ आपको मैसेजेस मिलेंगे, फोटोज मिलेगी, कई आ नहीं पाए। मैं बखान नहीं कर रहा, आप सोच रहे हो कि कोई बखान कर रहा है, एडमिशन आ जाएगा। एडमिशन तो बेटा ऐसे है, आपके सामने साक्षात सफलता है, एक प्रैक्टिकल बात है। इससे 100 लोग तो जरूर पूछेंगे, ये तो तय है ना, चाहे ये यहाँ आते चाहे नहीं आते, 100 लोग तो जरूर पूछेंगे। 100 में से 100 को बताएंगे तो इतनी माड़ी क्या किस्मत, 5 भी बताएंगे। एड की कहां जुड़ती, तो मैं वो नहीं कह रहा। मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य ये है कि आप में एक विश्वास पैदा हो। जैसे मैंने अक्सर देखा है, आप में से कई बच्चे बताते हैं मुझे कि सर मेरे दोस्त ने आपके नोट्स देखे थे, उसने कहा लेवल कम है, ऐसे कर लेवल कम है। आप उससे प्रभावित ना हो, मुझे आपके दोस्त से या जिसने आपको कहा मुझे उससे समस्या नहीं है, मेरी समस्या ये है कि आप विचलित ना हो जाओ। उसकी समस्या नहीं है, मैं उसको नहीं जानता तो मैं उसकी समस्या क्यों लूं। मेरी समस्या ये है वो जो बाहरी शक्ति है वो कहीं आपको प्रभावित ना कर दे, इसलिए ये बार बार कहा जाता, इसलिए ये बार बार कहा जाता, और कोई कारण नहीं है। एक विश्वास पैदा हो, जैसे मैं आपको कहता हूं यही पढ़ना है, उन्होंने अभी कहा तो मेरे से किताब का पूछा, मैंने कहा मत लेना किताब। मैंने इनको ज्यादा यही कहा था, यदि आपको किताब की कोई इच्छा हो रही है पुराने सालों के पेपर की किताब ले लो, के अंदर आपको और कहीं से कुछ भी ले लीजिए, पुराने सालों के UPPCS, MPPCS, रेलवे, SSC, एक्सेट्रा, कुछ भी पुराने सालों के जो पेपर होते हैं वो, उनको पुराने सालों के पेपर मत देखिए, आप ये देखिए वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। किसी एग्जामिनर ने पूछे हैं, इसका मतलब दूसरा एग्जामिनर भी उसको इम्पोर्टेंट मान रहा है, वो तो उनकी समझ है, हम तो शायद हम उस तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन इतना आकलन तो कर ही सकते हैं। तभी तो देखिए, आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन होता है वो एक एग्जाम में आए फिर दूसरे एग्जाम में आ जाता है। ऐसे यदि मान लीजिए 20 क्वेश्चन भी आ गए, यार 20 क्वेश्चन बहुत होते हैं बेटा, क्या बात करते हो आप, 20 क्वेश्चन तो आपकी सफलता को नजदीक ले जाता है, इतने भी आ गए। इसलिए आपको कहता हूं, और मैं वापस एक बात और कहना चाहूंगा, समस्याएं मेरे सामने आती है, कम से कम आपकी, औरों को तो देख लीजिए जो मेरे को जानता नहीं है उसको मैं कैसे कह सकता हूं, और जो कैसे वो माने मेरी बात एक अलग बात है, उसको नहीं समझा सकता। एक मैं आपको बता दूं, ये जो मॉक टेस्ट होते, मेरे को तो इसकी स्पेलिंग ही नहीं लिखनी आती, मॉक टेस्ट होते हैं ना, इनसे दूर रहो, स्पष्ट कहता हूं। यदि आपको कोई लगता है आपको ऐसा कहे कि नहीं नहीं कौन है किसने कहा मुझे बताओ, आप मेरे पास ले आना, मेरे पास ले आना, आपके सामने एक परिचर्चा करेंगे हम, मैं हरा दूंगा आपको, लिख के देता हरा दूंगा, मैं साबित कर दूंगा कि आप गलत हो, साबित कर दूंगा, ज्यादा और क्या कहूंगा। ये मत कीजिए, क्योंकि इसका क्या उद्देश्य है, जो बच्चे देते हैं मॉक टेस्ट वो भी आप देख लेना, उनके मन में एक बात आएगी, वो कभी भी रैंक नहीं बना पाते, नंबर नहीं बनते उनके, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हैक नहीं ये बता दीजिए, वो कभी कर भी नहीं पाएंगे, कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे तभी तो वो उसका कोर्स खरीदेंगे, यदि क्वेश्चन सॉल्व ही कर लिया जरूरत कहाँ पड़ी, तभी तो वो कहेंगे यार सर का लेवल ज़्यादा है, इनका लेवल कम है। वो क्वेश्चन डाले जाते हैं जो एग्जाम में ना कभी आए हैं और ना ही कभी आएंगे। जैसे एक मॉक टेस्ट में देख रहा था, तोते का जीवन काल कितना होता, ग्रेजुएट हो समझ जाइए, इससे ज्यादा और बताने की जरूरत, और राकेश मेहरा जी के क्लासेस में तो तोते का जीवन काल नहीं बताया जाएगा, आज बताया जाएगा ना कल बताया जाएगा। आपको लगता है कि लेवल कम है तो लेवल कम ही से, लेकिन हमारे लेवल को बढ़ाने वाले ये स्टूडेंट, और ये अपने आप बढ़ा देंगे, आवश्यकता ही नहीं, आवश्यकता। 2-3 बातें मैंने आपको बताई है, श्वास कर्ष को तो कर लो, नहीं तो ये आपके सामने है, प्रत्यक्ष आपके सामने, और ये नहीं, इसके पिछले वीडियो और देख लीजिए आप,
अन्य बच्चे जो हैं उन्होंने भी यही बात कही है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। प्रैक्टिस जरूरी होती है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है प्रैक्टिस के अंदर। प्रैक्टिस के लिए भंडार पड़ा है, भंडार पड़ा है पुराने सालों के पेपर, और कोई भी उठा लीजिए। प्रतियोगिता दर्पण आती है, प्रतियोगिता दर्पण आती है, या कोई भी जो आपकी मैगजीन है आप देख, मैं दर्पण को प्रे, लेकिन आप मर्जी है, किताब कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके अंदर आपको क्या सोल्व पढ़ना है, उसके अंदर आपको, जैसे प्रतियोगिता दर्पण की बात करूं, उसके अंदर आपको ऐसे मिलेगा फलाना फलाना एग्जाम इस डेट को, के नीचे वो क्वेश्चन पेपर होंगे, मैथ होती है, रीजनिंग होती है। वो क्वेश्चन है, जैसे आरएएस का पेपर हुआ 2023। अब उसमें जो मेटीरियल आया आप सोल्व करो ना यार, उसके अंदर मैथ भी है, उसके अंदर राजस्थान जी के भी है, आप देखो, आप देखो। और फिर आप जहां पढ़ते हो, जहां भी पढ़ते हो, जैसे मान लीजिए आप मैथ पढ़ते हो कहीं, रीजनिंग पढ़ते हो, आप देखो क्या आरएएस का, आरएएस में जो क्वेश्चन आए वो उस विद्वान, उस जो शिक्षक है उससे मैच कर रहे हैं, वो देखिए। जीके के जो आप पढ़ रहे हो, क्या जीके जो आपको कराया गया, क्या लगभग 80% वो मैच कर रहे हैं? यदि वो कर रहे हैं तो सही जगह, यदि नहीं कर रहे हो तो विचार करना पड़ेगा आपको भी और शिक्षक को भी, फिर विचार करना पड़ेगा, एक नए सिरे से एक उसको रिफॉर्म करना, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्यों आगे बढ़ने की बात मैंने इसलिए कही, आप आगे बढ़ोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। अभी मैंने आपको कहा सिलेक्टेड है बच्चे, तो बच्चे जरूर पूछेंगे, तो में से 10 तो आएंगे, ऐसा मेरा मानना। इस घुरी में आने के लिए मुझे इन जैसे लोगों को तैयार करना, इसीलिए समय लगता है। और जब समय एक बार आपने कर लिया, एक बार आपने कर लिया ढंग से, और 15 वाला पहाड़ा आपने ढंग से पढ़ लिया, मुझे नहीं लगता कि आप कोई जीके में मात खा जाओ, मुझे नहीं लगा। कि मैं नहीं कहता, ये कहते हैं, ये मतलब सिलेक्टेड स्टूडेंट। मेरी बात पर अमल करने का प्रयास करना, कोई भी समस्याएं होती है बात करो, और जो सिलेक्टेड बच्चा होता है उससे जरूर मिलो, आप जरूर मिलो, आप मिलो उससे, आप बात करो, उससे समय मांगो कि क्या मुझे आप 10 मिनट, क्या मुझे आप 20 मिनट। ये बच्ची यहीं बैठती थी तो ये पूछते थे, भाई आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, इन्होंने बताया भी मैंने ऐसे पढ़ा, तो सफलता आपके साथ। एक बार वापस इनका ताली बजा कर स्वागत करें। और अब मैं आप सबका उम्मीद करता हूँ एक दिन आप सब यहाँ जरूर, और जो बच्चे आ नहीं पाए हैं जरूर आए। वैसे तो बता दूँ, इस बात की ज़्यादा खुशी होती है कि जब कोई मुझे ये कहता है सर मैं सिलेक्ट हो गया, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं ड्यूटी में बिजी रहता हूँ, थोड़ा समय कम मिल पाया, रियल में मुझे खुशी होती है। वो आ नहीं पाया एक अलग बात है, लेकिन आप सोचिए वो काम कर रहा है, वो लग गया वहां पर, रोजगार में आ गया, वो पढ़कर क्या बात हो, ठीक है। अच्छा, एक एक दो, ये हम संस्थान की तरफ से कुछ एक छोटा सा गिफ्ट देते हैं, कलम है, ताकि कलम ताकतवर। लो बेटा मेरी तरफ से आपको।